हाय हेलो स्टूडेंट्स, आपका जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट का रिजल्ट अब आ चुका है। अब प्रॉब्लम आएगी आपको रैंक के बारे में, तो अनअकैडमी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए दिया है कि आपको केवल क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको तुरंत वहां पे रैंक प्रेडिक्शन मिल जाए कि आपका क्या रैंक आएगा। आप उस रैंक से आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन कौन से NIDs अवेलेबल मिलेंगे, और आपको एक आइडिया हो जाएगा रफली कि आपको कौन सी ब्रांच पे जाने पर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा। बिकॉज जितना जल्दी प्लानिंग करोगे उतना ज़्यादा आगे के लिए सिक्योरिटी रहेगी। और प्लीज़ सेलेक्ट करते समय ऐसी कोई जो भी उस लेवल की अवेलेबल होगी आप उसके अंदर ही सेलेक्ट करना, और उसी सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दी तो हो सकता है कि आपकी सीक्वेंस के ऊपर नीचे करने से आपको मिलने वाली जो है ना ऑप्शन वो भी नहीं मिले, क्योंकि वो पहले सारे का 5 नंबर देखेगा क्या क्या 5 में फीलिंग हुई है, फिर सबके 6 नंबर को देखेगा। तो ऐसे करते हुए वो फीलिंग कंटिन्यूस करता है। बच्चे मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो रैंक प्रेडिक्शन सबको बेसिक आइडिया हो जाएगा ताकि आप अपनी अच्छी NIT के लिए भी पोजीशन को अभी से लॉक कर सकें। ओके, तो फ़ायदा उठाइएगा रैंक प्रेडिक्टर का। बाय बाय।